जय माता दी, जय मां कामाख्या। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी चैनल के द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि यदि आपका कोई दुश्मन हो जिसने आपको बर्बाद कर दिया हो, जिसने आपके व्यवसाय चौपट कर दिया हो, आपका घर छिन्न भिन्न कर दिया हो, या फिर आपकी प्रगति को रोक दिया हो, आपको नहीं मालूम कि आपका दुश्मन कौन, या फिर हो सकता है कि मालूम भी हो कि आपका दुश्मन कौन, और आप उस दुश्मन के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई इविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है कि आप उसके खिलाफ कुछ समाज में बोल सके या पुलिस में जाकर के बोल सके। तो ऐसे शत्रु जो ज्ञात शत्रु हैं और अज्ञात शत्रु हैं, हो सकता है आपके मित्र ही आपके शत्रु बन सकते हैं, हो सकता है आपके परिवार वाले ही आपके शत्रु बन सकते हैं, हो सकता है आपके साथ रहने वाले मनुष्य ही आपके शत्रु बन सकते हैं, या आपका कोई पड़ोसी वो भी शत्रु बन सकता है, आपका प्रगति से जलने वाला मनुष्य भी आपका शत्रु बन सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम होता है। उस अवस्था में हमारे द्वारा एक घंटे का शत्रु नाश का हवन कराने का विचार चल रहा है, जो संभवतः 12 तारीख को होने की संभावना है, 12 जून 2020 को। यह हवन आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हो, घर के बरामदे में कर सकते हो, किसी मंदिर में कर सकते हो। टाइम निश्चित रहेगा, उस समय पर यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको यज्ञ करते हुए दिखाया जाएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मंत्र सुनाए जाएंगे, और वो जो उसमें सामान लगेगा, प्रक्रिया जो होगी, वो सब आपको पहले से बता दी जाएगी। जो हमसे संपर्क कर लेगा उनको, उनके लिए यह शत्रुनाश हवन हमारे द्वारा कराया जा सकता है। तो जिन जिन भी धर्म प्रेमी बंधुओं को जो अपने शत्रुओं से परेशान है, तंत्र से परेशान है, शत्रु के द्वारा तंत्र किया गया है और आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया गया हो, तो ऐसे शत्रुओं को दूर करने के लिए, नाश करने के लिए ये यज्ञ रखा गया है। जिस किसी भी बंधु को ये यज्ञ करना हो, उसमें शामिल होना हो, वहां से संपर्क कर लें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।